अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम जो ट्रिक देखने वाले हैं वो एक आइकॉन्स के बारे में है। बिजनेस कार्ड डिजाइन करते समय या कोई भी ग्राफिक आप कोई भी क्रिएटिव करते हो तो उसके अंदर आपको जो आइकॉन्स लगते हैं वो आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल ट्रिक जो मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, fontawesome.com। ये मेरी एक फेवरेट वेबसाइट है। यहाँ से आप आइकॉन्स अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका एक पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दिख रहा होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट के लिंक के ऊपर जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, गॉट योर डेस्कटॉप फाइल्स एट द रेडी। यहाँ पे आपको सिंपल डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक फाइल आपको डाउनलोड ऑप्शन में मिल जाएंगी, वो होगी आपकी फॉन्ट की फाइल। सिंपली आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक फॉन्ट है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे SVG का फॉन्ट का डेटा जो मिल जाएगा आपको, फॉन्ट ऑसम का। तो आपको इस फोल्डर को ओपन कर देना है और यहाँ पे आपको OTF के अंदर जाते ही आपको यहाँ पे तीन तरह के फॉन्ट दिखेंगे। आपको इनको शिफ्ट प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक प्रेस करके आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं बेसिकली आपको जस्ट बताना चाहता था ये मेथड किस तरह से वर्क करती है। देन आपको इस फोल्डर को क्लोज करके आप डायरेक्टली फोटोशॉप में चले जा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं आप कि मैंने यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड का एक सैम्पल बनाया हुआ है, तो उसको उस वाले आइकॉन्स को आप आपके बिजनेस कार्ड में या कोई भी क्रिएटिव में आप यूज़ कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको इस फॉन्ट को ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर के ऊपर कॉपी कर ले रहा हूँ। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट को सिंपली कॉपी करके डिलीट कर दिया है। आप चाहो तो डायरेक्टली टेक्स्ट टूल लेके आप क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, उस साइड के अंदर जाना है आपको और थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके बैक नीचे साइड जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको चीट शीट, या तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो इतना पोर्शन आप निकाल के। चीट शीट अगर टाइप करोगे तो आपको एक पेज के ऊपर लेके जाएगी वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आइकॉन्स यहाँ पे बता रहा है वेबसाइट के जरिए, फ्री वाले आइकॉन्स है। आप चाहो तो इसका पेड वर्जन लेके आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मुझे यहाँ पे ज़्यादातर तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के लिए आइकॉन ढूंढ कर आपके प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको सिंपल बताऊँगा कि कैसे आप एक किसी भी आइकॉन को यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे कंट्रोल F करके आपको फाइंड करना है, आपको जो सा भी आइकॉन आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपली मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ोन का आइकॉन मैं लेकर आपको बताता हूँ। सिंपली आपको जो ये आइकॉन दिख रहा है, अब ये फ़ोन का आइकॉन है, मैंने यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट किया इसको, देन मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैं अपने फोटोशॉप में आऊँगा और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब दिखने में आपको ये ऐसा इस तरह से दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके आपका जो फॉन्ट ऑसम का जो फॉन्ट आपने इंस्टॉल किया था उनमें से सॉलिड वाला फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स के अंदर फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, आइकॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉन्ट। और ये काफ़ी सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है। इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ईमेल के लिए भी मैं एनवलप का जो साइन होता है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा सिलेक्ट करके। देन मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। वेबसाइट के लिए भी आप सेम मेथड कर सकते हो। इस तरह से आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करके आप जो सा भी आपको, अगर डेस्कटॉप वाला आपको चाहिए तो मैं ऐसे जब जस्ट कॉपी करूँगा, देन मैं फोटोशॉप में जाऊँगा या इलस्ट्रेटर में जाऊँगा, जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल है वहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर फॉन्ट ऑसम का जो सॉलिड वाला फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको ब्रांड इमेजेस चाहिए
तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड के भी इमेजेस उन्होंने दिए हुए, रेगुलर के अंदर रेगुलर इमेजेस दिए हुए यहाँ पे, जो लाइन आर्ट की तरह होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको 3 फॉन्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं, तो आप उन फॉन्ट को लेके डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड आइकॉन से, काफ़ी सारे आइकॉन से ज़रूर इसका फ़ायदा होता है। देन आपको अगर ब्रांड के कोई लोगोज़ वगैरह है तो आपको वहाँ पे, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर से आपको कॉपी करना है, जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट फाइल में पेस्ट करना है। तो ये होगी फर्स्ट वेबसाइट, ये मेरी फेवरेट वेबसाइट थी, मैं इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कर देता हूँ। और सेकेंड वेबसाइट जो है यहाँ पे linearicons.com, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे भी वो चीज़ करनी है, आपको डाउनलोड नाउन बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको सेम प्रोसीजर में आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करके यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं जस्ट आपके साथ में ये भी शेयर करूँगा कि सेम प्रोसीजर में आप इस तरह के फॉन्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जस्ट आपको क्लिक करना है यहाँ पे, देन आपको यहाँ से इस कैरेक्टर को कॉपी करना है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल में आना है और यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, उसको दिखाने में आपको इस तरह से दिखाएगा, लेकिन जब आप फॉन्ट चेंज करोगे, आपका जो उसका फॉन्ट नेम आप लोगे और चेक करोगे, तो इस तरह से वो आइकॉन आपको यहाँ पे बताएगा। और आप इसको साइज इसका जितना चाहे आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको आइकॉन्स का साइज कितना रखना है। आप जैसे भी चाहे आप आइकॉन्स को यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एनवोलप का साइन में खोल रहा हूँ, देन ये कैरेक्टर के ऊपर जाके मैं कॉपी कर रहा हूँ, देन मैं फिर से अपने फोटोशॉप में आके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो एनवोलप का साइन यहाँ पे आ जा रहा है। ये काफ़ी सिंपल मेथड है, मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ इसको, और काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन दिख जाता है यहाँ पे, आप जब आप इस तरह के आइकॉन्स यूज़ करते कर सकते हैं। बेसिकली मैंने जैसे देखा है लोगों को कि काफ़ी लोग गूगल से PNG आइकॉन्स डाउनलोड करके उसका साइज एडजस्ट करके फिर लगाते हैं, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, तो मैं ये मेथड को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और तीसरी, ये तो सेम वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके जितने भी आइकॉन्स हैं आप सेम प्रोसीजर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बस कॉपी करना है, आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है, देन पेस्ट करना है वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट फाइल में। देन थर्ड वाली जो वेबसाइट है icons.io, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, मैं इसका भी यूज़ कर चुका हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे आइकॉन्स मून ऐप पे जाना है, देन आपको यहाँ पे इतने आइकॉन दिख जाएंगे, ये सॉलिड आइकॉन्स है। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर सेम ही है, एग्जैक्ट थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे ये जो बर्गर बटन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल करना है, ये अभी जस्ट सिलेक्ट है, तो ये डीसिलेक्ट का ऑप्शन है। ओके, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये टोटल जितने भी इसके आइकॉन से ये मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे ऑल ओवर। आपको जस्ट क्या करना है, जनरेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन ये जनरेट हो जाएंगे फॉन्ट यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको डाउनलोड ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। सिंपल सी मेथड है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, डाउनलोड करना है आपको फाइल को, देन एक्सट्रैक्ट करना है आपके फोल्डर के अंदर और उसको इंस्टॉल कर देना है। मैंने यहाँ पे भी डाउनलोड किया था फॉन्ट को, और मैंने सेम प्रोसीजर को फॉलो करके फॉन्ट्स को मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पे, इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करके। तो इस वेबसाइट को भी यूज़ करने का और इस आइकॉन्स को भी यूज़ करने का सेम प्रोसीजर है, जस्ट आपको यहाँ पे जाना है, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करना है जो आइकॉन आपको चाहिए, देन आपको यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस वाले कैरेक्टर को कॉपी कर लेना है। देन आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जहाँ पे भी आपको फाइल में आपको आइकॉन्स जनरेट करना है वहाँ पे आपको सिंपली जाके पेस्ट कर देना है। अगर ये आइकॉन यहाँ पे नहीं अपेयर हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे जाके आप फॉन्ट में आइकॉन मून नाम का जो फॉन्ट आपने डाउनलोड किया था, जो सिस्टम में आपने इंस्टॉल किया, उसको जस्ट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो ये वाले आइकॉन्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते थे, मैं काफ़ी दिनों से इस ट्रिक को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने चाहा कि आपके साथ में भी शेयर कर दूँ। आई होप कि आपको सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स और बैनर्स के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से काफ़ी लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 500 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है हम, तो प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर देना। हमारा गोल है कि 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल के ऊपर जल्द से जल्द हो जाए। और मेरी प्रीवियस वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो इसके बाद वाले लिंक के ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।